नमस्कार, स्वागत है आपका एक छोटे से ब्रेक के बाद। हर किसी को जो है पहली फिल्म से एक बहुत बड़ा मुकाम नहीं मिल जाता है। ये एक्ट्रेस जो है दो मलयालम फिल्मों में काम कर चुकी हैं, दिवन जमूला ग्रैंड प्री एंड वीरम। इनका नाम है केतकी नारायण, लेकिन अभी तक केरला में इनकी एक ऐसी कोई बिसात नहीं बनी है जहाँ पर इन्हें लोग पहचान सकें। ये पुणे की लड़की हैं, मराठी लड़की हैं, और अगली मलयालम फिल्म साइन कर चुकी हैं जिसका नाम है अंडरवर्ल्ड। ये लेफ्ट राइट लेफ्ट के जो डायरेक्टर थे अरुण कुमार अरविंद, उनके द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म है। इस फिल्म में दो हीरोइन हैं, दो हीरो भी हैं। जो दूसरी हीरोइन है वो थीवंडी की जो एक्ट्रेस थी संयुक्ता मेनन, वो हैं। ये एक क्राइम बेस्ड फिल्म है, अंडरवर्ल्ड नाम है तो ऑब्वियसली रोमांटिक फिल्म तो हो नहीं सकती है, और इसकी शूटिंग शुरू होने वाली है जनवरी से। ये एक डार्क कॉमेडी है, इसमें हल्का सा हास्य का पुट लगा करके थोड़ा से गंभीरता से बताया गया है। आसिफ अली, फरहान फासिल और लाल जूनियर जो हैं इस फिल्म में स्टार कर रहे हैं। संयुक्ता जो है वो आसिफ अली के साथ हैं, और केतकी की जो पेयरिंग है वो है फरहान फासल के साथ। और इस फिल्म में जो है वो एक तुलू लड़की का प्ले कर रही है रोल, तुलू द ब्राह्मण लड़की का। और इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं डी फोर्टीन एंटरटेनमेंट, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बन रहे हैं अरुण कुमार अरविंद और अनूप वेणुगोपाल। ये तो था फिल्म के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब मैं बात करना स्टार्ट करता हूँ केतकी के बारे में। केतकी जो है उन्होंने कोई बहुत बड़ी एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं ले रखी है, एक छोटी सी ट्रेनिंग जरूर ली है, लेकिन बहुत हद तक वो सेल्फ ट्रेन्ड है। उन्होंने थिएटर के साथ काम करना शुरू किया, वहाँ से उन्होंने अपनी ट्रेनिंग ली है समझिए तो, और कुछ एक जो है शॉर्ट फिल्म्स में काम किया। उसके बाद जो है पुदुचेरी आई, पुदुचेरी में जो है आदिशक्ति नाम की एक वर्कशॉप थी, वहाँ पर उन्होंने थोड़ा बहुत जो है वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में सीखा, थोड़ा बहुत ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में सीखा, और थोड़ी बहुत जो और फिजिकल एक्सरसाइजेज होती हैं एक्टिंग के से लेकर के उनको उनके बारे में जाना। वही नहीं, उन्होंने वहाँ पर जो है कलर या पट्टू को भी सीखा, क्योंकि वो सीखना बड़ा आवश्यक होता है बॉडी मूवमेंट्स और सारी चीज़ों के लिए। और उसके बाद जो है उन्होंने चूज़ किया मलयालम को। मलयालम इसलिए क्योंकि मलयालम सिनेमा जो है वो अपने आप में एक बहुत यूनिक चीज़ है, उसमें हर तरह की फिल्में बनती हैं, आर्ट भी बनती हैं, क्राइम भी बनती हैं, कॉमेडी भी बनती हैं, और कई बार नई फिल्मों का जो जनर स्टार्ट होता है हिंदुस्तान में वो वहीं से होता है। अब चीज़ ये उठती है कि जब भाषाएं अलग अलग हो जाती हैं, एक मराठी लड़की अगर आकर के काम कर रही है मलयालम सिनेमा में, तो कई बार क्या होता है कि सिर्फ आपको, देखिए डायलॉग बोलना तो बड़ा आसान है, रट लिया बोल लिया, डायलॉग पर रिएक्ट कैसे कीजिएगा? सामने वाला व्यक्ति जब आपसे बात कर रहा होता है, डायलॉग बोलता है, तो आप उस पर रिएक्ट करते हैं। किंतु अगर आपको उस डायलॉग का अक्षरशः मतलब नहीं पता है, तो किस शब्द पे चेहरे पे क्या भाव आने चाहिए, किस जगह पर जा करके वो ब्रेक कर रहा है और वहां पे मुझे क्या रिएक्ट करना है, उसके बाद वो डायलॉग क्या बोलेगा और उसके बाद क्या रिएक्ट करना है, ये तमाम चीजें समझ पाना बड़ा कठिनाई का काम हो जाता है। इसके लिए उन्होंने जो है बकायदा जिस समय फिल्म कर रही थी अपनी पहली, तो जो सेट पर लोग रहा करते थे उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता करके उन्होंने अपने आप को जो है फेमिलियराइज किया मलयाली भाषा के साथ। और उसमें भी जो है थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट की उस फिल्म में जो है जो डायलेक्ट यूज करी थी, थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट के अगल बगल का डायलॉग था, डायलेक्ट था, तो उस डायलेक्ट को सीखने के लिए जो है उन्होंने खास तौर पे वहाँ के जो व्यक्ति थे उनके साथ ज़्यादा सानिध्य रखा, जिससे कि वो कान को वही डायलेक्ट सुनाई दे तो मैं उसी तरह से बोलूँ। तो ये तमाम चीज़ें जो है एक्टिंग की बड़ी परिकाष्ठा होती है। और एक्टिंग करने के पीछे बहुत सारे लोगों का अलग अलग कारण होता है, कोई अपने कला के लिए करता है, कोई पैसे के लिए करता है। और इनका एक बड़ा मज़ेदार कारण है, ये बोलती हैं कि मैं एक बार में कई लोगों से कनेक्ट करना चाहती थी और इसलिए मैंने करना शुरू किया, और इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता है। क्योंकि जब आप पर्दे पर होते हैं, कैमरे के सामने होते हैं, आप एक कनेक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं कैमरे के साथ, और इन टर्न वो कैमरा जब देखता है, उस कैमरे से देखी हुई चीज़ जब आदमी देखता है थिएटर में, तो वो एक कनेक्शन आपका बन जाता है वाया मीडिया। और वही मेरे ख्याल से बहुत लोगों का होता है, मैं भी हूँ आज जब आपसे बात कर रहा हूँ बैठ करके, यही बात मैं अपने घर में किसी के साथ बैठ के करूँ तो भी उतना ही आनंद आता है, यही बात मैं अपने मित्रों के साथ करता हूँ तो भी वही आनंद आता है, किंतु जब मैं आपके साथ बैठ के बात करता हूँ तो एक अलग ही सी भावना आती है अंदर से, क्योंकि आपसे जब बात करता हूँ तो कई हज़ार व्यक्तियों से एक बार में बात कर रहा हूँ। वही नहीं, कई बार जो है मेरे बोले हुए शब्द आप वापस आकर के सुन सकते हैं, एक इमोर्टैलिटी होती है, एक अमरत्व होता है हम लोगों की वार्तालाप में। जब आप हमारे लिए कमेंट छोड़ते हैं यूट्यूब पर और उस यूट्यूब पर मैं आपसे जवाब कर देता हूँ और हमारे बीच में बातचीत होती है, आज से दस एक साल बाद जब कोई व्यक्ति इस पेज पर आएगा तो हमारी बात वहाँ पर रहेगी, अमर रहेगी वो बात, वो वहाँ पर सुन सकेगा कि 10 साल पहले हमने क्या बातें की थी। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, इसी अमरत्व के चक्कर में बहुत बार लोग जो कनेक्शन होता है, ये हम लोग का कनेक्शन ख़त्म कभी नहीं होता,
अब आप सोच के देखें, डॉक्टर राजकुमार का एक एग्जांपल दूं या मैं एनटीआर का एग्जांपल दूं या दिलीप साहब का एग्जांपल दूं, दिलीप साहब खैर अभी हमारे दरमियान है लेकिन एक्टिंग छोड़े हुए ने काफ़ी वक्त हो चुका, जब इनकी फिल्में आदमी देखता है बैठ करके, तो आज से 40-50 साल पहले बनी हुई पिक्चर से भी आप उनसे एक आत्मीयता महसूस करते हैं। वही एक आत्मीयता जो होती है, आपका कनेक्शन है उस व्यक्ति के साथ, और उसी कनेक्शन की खोज मेरे ख्याल से केतकी भी हैं। आशा करता हूँ कि वो कनेक्शन उनको मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। जनता जो है उन्हें बहुत प्यार देगी आने वाले दिनों में, उनका जेन्युइन और क्वालिटी वर्क जो रहेगा वो दुनिया को दिखाई देगा, और मैं आशा करता हूँ कि वो अपने कार्य के प्रति हमेशा उतनी ही ईमानदार रहें जितनी वो आज हैं। क्योंकि एक व्यक्ति के लिए जीवन में सफल होने के लिए सबसे पहला काम होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करें। अगर आप अपने काम में ईमानदारी नहीं रख सकते हैं तो उस काम की कभी ना आप कदर कर पाएंगे, ना आपके अगल बगल के लोग और ना आपके क्लाइंट्स। खैर, यही है जीवन का सत्य। मैं और भी इस तरह के कई सत्य बताऊंगा, जीवन का तो नहीं किंतु मैं आपको छोटे छोटे फिल्मों के बारे में सत्य बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। माफ़ कीजिएगा, कभी कभार फिलसफाना हो जाता हूँ मैं। लौटता हूँ छोटे ब्रेक के बाद।